फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने डीडीए से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ फोर में 5000 फ्लैट्स को ऐड करेगा। जी हां फ्रेंड्स, 5000 फ्लैट्स को ऐड करेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसकी बुकिंग 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी और आप एक सर्टेन एडवांस अमाउंट पे करके अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। आप अपनी मनमर्जी का फ्लैट बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्राउंड फ्लोर बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो 15th फ्लोर बुक कर सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी वहां पे रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम अपनी इंट्रोड्यूस की थी सितंबर 2022 में। इससे पहले डीडीए जो स्कीम निकालता था वो सारी की सारी लॉटरी बेस्ड होती थी, यानी कि आप उसका फॉर्म भरते थे, उसके बाद उसका ड्रॉ निकलता था, ड्रॉ में आपका नाम यदि आता था तो आपको फ्लैट का अलॉटमेंट होता था। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डीडीए आपको अपना मन पसंदीदा फ्लैट चुनने का एक ऑप्शन देता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री में डीडीए ने LIG और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को शामिल किया था, जो कि सारे के सारे नरेला लोकेशन के थे। लेकिन जो स्कीम 30 जून 2023 से लॉन्च होने वाली है उसमें मल्टी लोकेशन स्कीम रहेगी और इसमें अलग अलग टाइप्स के फ्लैट रहेंगे, जैसे कि इसमें LIG फ्लैट्स भी रहेंगे, EWS भी रहेंगे, HIG भी रहेंगे और MIG भी होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप भी 30 जून से अपने फ्लैट की बुकिंग करने की सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए की जो फ्लैट की बुकिंग है 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी, तो यदि आप भी अपने फ्लैट की बुकिंग करना सोच रहे हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, तभी अपने फ्लैट की बुकिंग करना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में कहें कि काश मैंने आपकी बातें ध्यान से सुन ली होती, या फिर आपको कहीं पछताना ना पड़े, इसलिए आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। फ्रेंड्स, कहने का तो डीडीए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो डीडीए का वर्किंग स्टाइल है वह किसी कनिंग प्रॉपर्टी डीलर से कम नहीं है, कनिंग प्रॉपर्टी डीलर से कम नहीं है पिछले 2-3 साल से जो इसका वर्किंग स्टाइल रहा है। आप ध्यान से सुनना और समझना। फ्रेंड्स, 2021 से पहले डीडीए की जो भी स्कीम आती थी वह सारी की सारी लॉटरी बेस्ड होती थी, यानी कि उसमें ड्रॉ निकलता था। ड्रॉ में यदि आपका नाम आ जाता था और आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं है, आप अपने फ्लैट को सरेंडर कर सकते थे, अपनी बुकिंग को कैंसिल करा सकते थे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता था वह पैसा थोड़ा सा आपका कट जाता था, बाकी पैसा आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाता था। उसके बाद डीडीए ने स्कीम लॉन्च की थी, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021। इसमें डीडीए ने अपने पेमेंट टर्म्स में यह चेंजेस किए कि ये भी जो स्कीम थी वह लॉटरी बेस्ड ही थी, यानी ड्रॉ बेस्ड थी। इसमें डीडीए ने क्या किया, जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता था वो तो आपका लगेगा ही लगेगा, उसके बाद यदि आपने फ्लैट का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कराते हैं, यानी कि अपने फ्लैट का आपको अलॉटमेंट हो गया उसको आप कैंसिल कराते हैं या फिर अपने फ्लैट को सरेंडर करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट के अलावा आपका 10% पैसा कट जाएगा। यदि आपने LIG फ्लैट बुक किया है तो 25,000 रुपये उसका बुकिंग अमाउंट था, तो 25,000 का 10% 2500 रुपये कट जाएगा, और जो बुकिंग जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते थे 1000 रुपये वो भी तो कटेगा ही कटेगा, उसके अलावा 10% और कट जाएगा। जैसे कि आपने MIG फ्लैट के लिए एप्लीकेशन फिल किया तो आपने 1,00,000 रुपये पे किए होंगे, तो 1,00,000 रुपये में से 10% यानी कि 10,000 रुपये काट के डीडीए बाकी का पैसा आपको वापस करेगा, जहाँ पे आपका 1,02,000 रुपये शायद लगना था, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस थी और 1,00,000 रुपये उसकी एप्लीकेशन मनी थी, जो कि डिमांड लेटर में आपके लेस होके आ जाती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2021 से पहले पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता था और 2021 में आपका 10% काट के डीडीए आपको वापस करने लग गया। उसके बाद आती है डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम। डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम सितंबर 12 के आसपास लॉन्च हुई थी। उस समय डीडीए ने जो फ्लैट रखे थे वह रखे थे LIG और EWS कैटेगरी के। उस समय जो LIG कैटेगरी का फ्लैट्स थे उनका बुकिंग अमाउंट था 20,000 रुपये और EWS कैटेगरी का बुकिंग अमाउंट था 10,000 रुपये, यानी 10,000 EWS का, LIG का 20,000 रुपये। तो जैसे ही फेज़ वन ख़त्म हुआ, फेज़ टू स्टार्ट हुआ, फेज़ वन की बुकिंग हो गई कंप्लीट, लोगों ने 10,000 या 20,000 रुपये दे के अपने अपने फ्लैट की बुकिंग कर ली। उसके बाद जैसे ही फेज़ टू स्टार्ट हुआ, डीडीए ने क्या किया, जो EWS कैटेगरी के फ्लैट थे उनकी बुकिंग को 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया, और जो LIG कैटेगरी के फ्लैट थे उनकी बुकिंग अमाउंट को 20,000 से बढ़ा के 1,00,000 कर दिया। भाई साहब, 5 गुना बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये पैसा रिफंडेबल नहीं है। यदि आप डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किसी भी तरह का फ्लैट बुक करते हैं तो जो उसका एडवांस एप्लीकेशन मनी आपने दिया, यानी एडवांस अमाउंट जो आपने पे किया, टोकन अमाउंट जो आपने पे किया, यदि आप किसी परिस्थिति में अपने फ्लैट नहीं ले पाते हैं, अपने फ्लैट को सरेंडर करते हैं, अपने फ्लैट की बुकिंग को कैंसिल कराते हैं, तो आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अपनी बुकिंग कराने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो, तभी आप बुकिंग कराइएगा, क्योंकि EWS कैटेगरी के लिए 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट है,
LIG के लिए 1 लाख है। MIG और HIG फ्लैट्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं DDA के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में, तो जहां तक उम्मीद की जा रही है कि MIG के 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट हो सकता है, यानी जो एडवांस पेमेंट रहेगी बुकिंग अमाउंट वह 2 लाख रुपये हो सकता है, और HIG का 3 से 5 लाख रुपये भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें DDA का ब्रोशर आने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो इसको इस अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि जब LIG का 1 लाख रुपया है तो MIG का 100% है कि 2 लाख से कम नहीं होगा, चाहे जितना भी हो। 1 लाख क्या 50,000 क्यों ना हो, 50,000 क्यों ना हो, यदि आप किसी कारणवश या किसी भी सरकमस्टांसिस में अपने फ्लैट की बुकिंग को कैंसिल करते हैं या अपना फ्लैट लेने के लिए आप सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तब आपके फ्लैट की जो बुकिंग अमाउंट आपने पे किया आपको रिफंड नहीं होगा, आपको 1 रुपये रिफंड नहीं होगा। हाँ, यदि आप लेते हैं तो एडवांस अमाउंट जो आपने पे किया है वह जब आपका डिमांड लेटर आएगा 60 दिन बाद या 45 दिन बाद, जब भी आपका डिमांड लेटर आएगा वह अमाउंट आपके जो डिमांड लेटर में से लेस होके आएगा। सपोज आपके फ्लैट की कीमत है 50 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये दे के बुक कर लिया, तो 50 लाख में से 1 लाख रुपए लेस होके 49 लाख का डिमांड लेटर आपके पास आएगा और आपको 49 लाख रुपए पे करने होंगे। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट करने के लिए DDA 90 डेज का टाइम देगा। जैसे कि आपने फ्लैट की बुकिंग की तो जो आपका डिमांड लेटर आएगा लगभग 2 महीने बाद आएगा, लगभग मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है और कम होगा तो कम नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, लेकिन 60 दिन में डिमांड लेटर नॉर्मली आता है। डिमांड लेटर आने के बाद आपको 90 दिन का DDA टाइम देगा। 90 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, चाहे आप लोन लेके करिए, चाहे अपनी जेब से करिए, या किसी से भी कहीं से भी लेके करिए, उससे मतलब नहीं है। आपको DDA को पूरी पेमेंट करनी होगी, और पूरी पेमेंट यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपने जो एप्लीकेशन अमाउंट जो आपने पे किया है वो डूब जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको फ्लैट की बुकिंग तभी करनी है जब आपके पास पैसे हों, या फिर आप 100% श्योर हों कि आपका होम लोन पास हो जाएगा, आपकी उतनी इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट आपको हो जाएगा, तभी आप अपने फ्लैट की बुकिंग करेंगे, क्योंकि बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, फ्रेंड्स DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में, जैसे कि फर्स्ट फेज के बाद जो सेकेंड फेज आया था उसमें हमने देखा था कि हम EWS कैटेगरी का नरेला में जो फ्लैट बुक कर रहे थे, सेक्टर A1 से लेकर A4 का जो पॉकेट E1 और E2 था, उसमें हमने देखा था कि जब हम फ्लैट की बुकिंग कर रहे थे तो वहाँ पे फ्लैट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखी आ रही थी 10 लाख के आसपास, 10 लाख शायद 70-80 हज़ार रुपये आ रही थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 10 लाख और 11 लाख के बीच में वो कॉस्ट आ रही थी। लेकिन लोगों ने जो बुक किया 50,000 रुपये दे के या 1 लाख रुपये दे के, जो भी अपने फ्लैट की बुकिंग की 50,000 रुपये EWS के लिए, 50,000 रुपये दे के जो अपने फ्लैट की बुकिंग की, उसके बाद जो 2 महीने बाद जो डिमांड लेटर आया ना, वो 14-14.5 लाख का डिमांड लेटर भेज दिया DDA ने। भाई, बुकिंग के समय आपको वहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई 10 लाख का फ्लैट है, 11 लाख का फ्लैट है, और आप डिमांड लेटर भेज रहे हैं 14 लाख का, क्या है? तो DDA इस टाइप की कनिंगनेस कर रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि जो वो फ्लैट थे उनका जो एरिया ज़्यादा था, EWS कैटेगरी के अदर फ्लैट्स के मुकाबले उसका एरिया ज़्यादा था, और वहाँ पे एमिनिटीज़ भी ज़्यादा थी, क्या नहीं मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटी हॉल वगैरह थे उस पॉकेट में, इसलिए उसका डिमांड लेटर थोड़ा ज़्यादा का आया। लेकिन जब कोई बंदा बुकिंग कर रहा है तो वहाँ पे देख रहा है 10 लाख 80 हज़ार का फ्लैट है, तभी तो बुक कर रहा है, और आप 14 लाख रुपये भेज दो एक EWS कैटेगरी के बंदे के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बंदे के लिए, आप सीधा 3 लाख रुपये बढ़ा दे रहे हो, ये तो कोई सिस्टम नहीं है ना। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था, और जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि DDA ने इस टाइप का काम किया था। फ्रेंड, तीसरी बात, बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि दिल्ली के बाहर के लोग क्या इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली के बाहर के लोग भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना एडवांस अमाउंट पे करके अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको दिल्ली का सिटीजन होना कंपलसरी है, आप DDA की इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथी चीज़, फ्रेंड्स, DDA की जो ये स्कीम आएगी तो जब इसका ब्रोशर लॉन्च होगा तब एक्चुअल पता चलेगा कि किस ब्लॉक में या किस लोकेशन में कितने कितने फ्लैट्स हैं और उनकी कीमत क्या है, उनका एरिया क्या है। अभी कुछ भी 100% कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी लोकेशन पर अपने फ्लैट की बुकिंग कराना चाहते हैं एक बार विजिट करके देख लें उस लोकेशन को। आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी यूट्यूबर के भरोसे ना रहें कि कोई यूट्यूबर आपको दिखा देगा हमने देख लिया भाई उसने अच्छा बताया। मैं ही नहीं, कोई भी YouTube चैनल, पैसा आपका लगना है, मेरा नहीं लगना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्कीम का जब ये ब्रोशर लॉन्च हो जाता है एक बार आप जरूर देख लेना। बाकी मैं तो विजिट कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन हर इंसान का एक अलग अलग नजरिया होता है अपने फ्लैट को चूज करने का। मेरा नजरिया कुछ और रहेगा, आपका कुछ और रहेगा, किसी और का कुछ और रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने फ्लैट की विजिट जरूर करना बुकिंग कराने से पहले, क्योंकि बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। ऐसा ना हो कि आप बुकिंग करा लें उसके बाद आपको जब डिमांड लेटर आता है तब आप जाते हैं देखने के लिए, फिर आप कहेंगे नहीं यार इसमें तो ये कमी है, इसमें तो मेट्रो से दूर है, ये तो यहाँ पर तो बस स्टैंड ही नहीं है, यहाँ पर तो स्कूल ही नहीं है, यहाँ पर तो पानी की दिक्कत है। ऐसा ना हो, आप एक बार विजिट कर लेना, समझ लेना, एक बार टाइम है अभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोशर आ जाएगा। तो आप एक बार विजिट करके ही अपने फ्लैट की बुकिंग कराना, क्योंकि यूट्यूबर्स तो कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी बता दिया, कुछ भी आप सोच सुन के आपने बुक कर लिया, बाद में आप पछता रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप विजिट कर लेना, अपनी फैमिली में किसको दिखाना हो दिखा देना अपने, तो एक बार विजिट करके ही अपने फ्लैट की बुकिंग कराना। बाकी दिल्ली के बाहर वाले जो लोग हैं यदि वो नहीं आ पाते तो विजिट तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो भी एक्चुअल होता है मैं तो वही बताता हूँ, बाकी फालतू की चीज़ें अपना मैं नहीं बताता कि हाँ भाई बहुत अच्छे स्कीम है, बहुत अच्छा ये है वो है, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल बताऊंगा। पांचवी चीज़, आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो उसके 45 से 60 दिन के बाद आपका डिमांड लेटर आता है, 45 से 60 दिन के बाद आता है, हो सके तो 70 80 दिन के बाद भी लोगों के डिमांड लेटर आए। और डिमांड लेटर आने के बाद आप उसकी पेमेंट करते हैं, लोन लेके करते हैं, अपने जेब से करते हैं, कैसे भी पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपका पोजेशन लेटर आ जाता है। लेकिन ये 60 दिन कब 60 से 90 हो जाएंगे, कब 90 से 120 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। डिमांड लेटर आने के बाद पेमेंट करते हैं, पेमेंट के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद DDA जो कहता है 60 दिन के अंदर अंदर पोजेशन लेटर भेज देंगे। लेकिन 60 से 120 दिन भी हो जाएंगे, 150 दिन भी हो जाएंगे, आप पोजेशन लेटर के लिए परेशान होते रहेंगे। DDA कभी आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी निकाल देगा, कभी कुछ कमी निकाल देगा, कभी कुछ कमी निकाल देगा। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रह जाएंगे लेकिन आपका पोजेशन लेटर आपको DDA जल्दी नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि देगा ही नहीं, परेशान करता है, सरकारी एजेंसी है, वर्किंग स्टाइल बहुत स्लो है। जो लोग DDA से फ्लैट ले चुके हैं, चाहे वो DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 हो या फिर DDA की जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम रही है उसमें ही क्यों ना हो, उनको पोजेशन लेटर के लिए बहुत परेशान होना पड़ा है। अभी भी लोगों को पोजेशन लेटर नहीं आया है जो फेज थ्री के हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस कितना रखें यार, हमारी EMI स्टार्ट हो गई, मैंने बैंक से लोन लेके किया था, मेरी EMI की 2-3 किस्तें चली गई, यानी 2-3 EMI मेरी जा चुकी हैं और पोजेशन लेटर मेरा आया नहीं, फ्लैट मेरे किस काम का, मैं तो यूज़ में ला नहीं रहा हूँ और मेरी EMI चलती जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि DDA थोड़ा परेशान करता है। आप परेशान होंगे, आप फ़ोन पे फ़ोन करेंगे, कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे सर आपका अभी 2-4 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं, वो आपको कोई कुछ नंबर देगा, कोई कुछ नंबर देगा, परेशान होते रह जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, एक बार आपको विकास सदन जाना पड़ता है। DDA का हेड ऑफिस है विकास सदन, INM मेट्रो स्टेशन के पास। विकास सदन जाएंगे तो वहाँ पर प्री अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पे आप जिस भी ऑफिसर से मिलेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे, मतलब दिखाना होता है डॉक्यूमेंट सारे, ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फोटोकॉपी सारी लेके जाएंगे, तो उसके बाद तो आपका पोजेशन लेटर 5-7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कहीं डूब जाएंगे, सरकारी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, एक रुपया आपका कहीं नहीं मरने जा रहा, लेकिन यही है थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा परेशान करते हैं। तो इसलिए जिनके पास पेशेंस है वही इस DDA की स्कीम में भरना, खासतौर पर LIG और EWS कैटेगरी में, LIG और EWS कैटेगरी में बहुत ज़्यादा परेशान किया है DDA ने। बट ये 100% श्योर है कि आपका पैसा 100% सेफ है, कोई बिल्डर नहीं है कि लेके भाग जाएगा, पैसा आपका सरकार के पास है, वो कहीं नहीं जाने वाला, आपको फ्लैट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि LIG कैटेगरी का फ्लैट खरीदने के लिए इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा। भाई साहब, LIG कैटेगरी का फ्लैट खरीदने के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनकम की कैपिंग नहीं है। आप 10 लाख कमाते हो, 20 लाख कमाते हो, जितना मर्जी कमाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप LIG फ्लैट के लिए अप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें दूसरी तरफ EWS कैटेगरी का फ्लैट की, तो EWS कैटेगरी के फ्लैट की बुकिंग के लिए आपका जो इनकम का क्राइटेरिया रहेगा उसमें एक कैपिंग रहती है। कैपिंग यह है कि आपकी फैमिली इनकम 10 लाख पर एन्यूम से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए एक साल की आपकी अर्निंग होनी चाहिए आपकी पूरी फैमिली की, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप EWS कैटेगरी के फ्लैट की बुकिंग कराएंगे। क्योंकि आपको वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि ITR दे देंगे या फिर राशन कार्ड हमारा है तो उससे चल जाएगा, नहीं नहीं,
आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यदि आप दिल्ली का रहने वाले हैं तो दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी से बनवाएंगे, एमपी के रहने वाले हैं तो एमपी का बनवाएंगे। जहां के आप रहने वाले हैं वहीं से आप इनकम सर्टिफिकेट बना के डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट इज मस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। एलआईजी कैटेगरी के लिए देयर इज नो कैपिंग, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एलआईजी के लिए कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। फ्रेंड्स, कई लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि मेरा दिल्ली में अपना घर तो है लेकिन मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है या फ्लैट मिल चुका है, हम एक और फ्लैट बुक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका दिल्ली में अपना घर है यदि वो 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है तब आप डीडीए के फ्लैट की बुकिंग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपका 67 स्क्वायर मीटर से कम का है तब डीडीए के फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि डीडीओ कैसे पता चलेगा कि हमारा घर है या नहीं है। पता चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डीडीए जब आपसे पेपर्स अपलोड करवाएगा तो वहाँ पर आपका बिजली का बिल भी अपलोड करवाएगा। बिजली का बिल आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, आपके फादर के नेम से होगा तो पकड़ में आ ही जाएगा। तो इसलिए ध्यान से, यदि आपका घर है भी तब भी आप देखिए बिजली का बिल किसके नाम पर आ रहा है, पेपर किसके नाम पर है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्लैट बुकिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे वो डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 या डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कर चुके हैं, वह इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्योंकि वो जैसे ही लॉगिन करेंगे और फ्लैट की बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो उनके पास सामने लिखा आ जाएगा फ्लैट हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड, तो वो बुकिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी डीडीए ने एक नए रूल को अप्रूव कर दिया था कि यदि आपके पास दिल्ली में अपना घर भी है, कितने भी स्क्वायर मीटर का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोबारा से घर खरीद सकते हैं, डीडीए का फ्लैट खरीद सकते हैं। उसको डीडीए ने अप्रूव कर दिया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव नहीं किया था। यदि अप्रूव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो डीडीए का जो ब्रोशर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आप फ्लैट खरीदने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। यानी कि यदि आपके पास 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा घर है तो आप फ्लैट खरीदने के लिए डीडीए की स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये इस ब्रोशर में क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का क्वेश्चन यह होता है कि मान लीजिए मेरा डिमांड लेटर आ गया, मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद डीडीए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांग लेगा जो मैं ना दे पाऊँ। भाई डर तो है ना, मान लो मैंने 50 लाख की या 1 करोड़ का फ्लैट बुक कर दिया, मैंने बुकिंग कर दी, मेरा डिमांड लेटर आया, मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद पता चला कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बना पाऊँ, तो यहाँ पर टेंशन की वाली बात है। तो फ्रेंड्स, डीडीए आपसे कोई भी ऐसा खास डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा जो कि आप ना कर पाएँ। बाकी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड वगैरह आपके पास होगा ही, तो ये सब तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने भी चाहिए और होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा वो मांगेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो है इनकम सर्टिफिकेट। आप ये डैम श्योर हो जाइएगा कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो, नहीं भी हो तो आपका उस समय बन जाना चाहिए। वैसे आप इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो वैलिडिटी होती है 6 महीने के लिए होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। लेकिन ये श्योर हो कि आपका बन जाए, दिल्ली में बन जाता है इजीली, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप नहीं बनवा सकते, एजेंट बहुत बैठे हैं दिल्ली में बनाने वाले, बहुत ईजिली बन जाता है इनकम सर्टिफिकेट, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर भी आप ये इंश्योर रहिएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट इजीली बन जाए। बाकी इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एफिडेविट लगते हैं, अंडरटेकिंग लगती है, यही सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और आपके आईडी प्रूफ में जो भी चीज़ें होंगी और एड्रेस प्रूफ में बिजली का बिल हो गया, ये सब डीडीए मांग सकता है, मांगता ही है, मांग सकता है, क्या मांगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई खास वो नहीं है। दूसरी चीज़, कई लोग पूछते हैं कि भाई हम एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, ओबीसी हैं, तो हमें कोई लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, डीडीए की जो ड्रॉ वाली स्कीम आती थी उसमें तो इनको बेनिफिट मिलता था, इनको रिजर्वेशन मिलता था, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सबके साथ बराबर का बिहेवियर रहेगा। यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वही डॉक्यूमेंट्स रिजर्व कैटेगरी वाला भी देगा, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, खासतौर पर पैसा रिफंड वाला, जो एडवांस अमाउंट आप पे करेंगे वो रिफंड नहीं आएगा, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में बुकिंग कर लें, बाद में उनके पास पेमेंट ही ना हो, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। और डीडीए ने जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50,000 और 1 लाख बुकिंग की थी, क्या पता उसे कम भी कर दे, लेकिन कम नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस का 50,000 ही रहेगा, एलआईजी का 1 लाख ही रहेगा, एमआईजी का 2 लाख हो सकता है, एचआईजी का 3 से लेकर 5 लाख भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।